आप सभी लोगों को बूढ़ी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स, आज मनाई जा रही है बूढ़ी दिवाली पूरे उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल में, सारी जगह मनाते होंगे, मैं तो कुमाऊँ को तो पता ही है, और वैसे ना गांव साइड में तो हमारे मनाते नहीं, तो जब से हल्द्वानी में आए हैं अब यहाँ भी हम मनाने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बूढ़ी दिवाली का जैसे मनाया जा रहा है, तो आपने भी डिफरेंस दिखा रहा हूँ, दिखाऊँगा इसी बात से बूढ़ी दिवाली और जितनी दिवाली होती है हमारे यहाँ इससे। तो ये है देखो, जब मेन दिवाली हुई थी ना उस दिन, देखो चकाचौंध रोशनी रोशनी चारों तरफ लाइट लगी हुई है, पटाखे फूट रहे, बम पटाखे, सब आवाज़ आ रही है, भड़ाम 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 क्या, देखो तो लाइट लगी हुई है, वाकई में लग रहा है ना दिवाली जैसा। और जो आज है, आज की कंडीशन देखना है बूढ़ी दिवाली कैसी होती है। ये तब की वो है शॉट जब दिवाली थी, और आज को शॉट भी मैंने शूट किया है, अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है वो भी, तो आप देख सकते हो तब और अब में कितना अंतर है। और ये है आज की, खाली दिए जले हुए हैं, लाइटें किसी ने नहीं लगाई, और शांति है पूरी गली में, जैसे उस समय हो रहा था ना बम भड़ाम भड़ाम, वो कुछ नहीं हो रहा। एक आध दो बम पटाखे फोड़ दिए, मैंने भी 100-150 के पटाखे लाया था लोकल दुकान से, वही फोड़े। मान्यता यह है कि बूढ़ी दिवाली से मनाई जाती है, क्योंकि कहते हैं ना दानों और वधू के लिए वध की वजह से त्यौहार मनाया जाता है, जो कि सांप वहाँ भी कीड़े उड़ों के रूप में पाए जाते हैं। पटाखों में ना सिलन होने से साले हो सही ढंग से फूट नहीं रहे, और ये आवाज़ भी कम हो गई अब, उस दिन तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन आज तो ख़त्म है कहानी, अब सुखाने पड़ते ना, अब कहाँ सुखाते, अभी तो लाए हम दुकान से। मैया का दरबार में भी चकाचौंध रोशनी हो रखी है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का मेरे बूढ़ी दिवाली पे बना हुआ ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।